मस्तानी का शुरुआत ना हमने किया है। अच्छा। मस्तानी जो पहले शुरुआत जो मस्तानी का नाम पे हमने रखा है उसका बाजरो मस्तानी बोल के पहले शुरुआत किया था। अच्छा। उसमें दूध सिर्फ आइसक्रीम आइसक्रीम में क्रीम रहता है, दूध में क्रीम रहता है ना, क्रीम का दूध रहता है वो। अच्छा, और उसमें कोई फ्लेवर आता है? फ्लेवर आते हैं ना, बहुत सारे फ्लेवर है। अच्छा। तो यहाँ पे आपको बाजीराव मस्तानी की जो पुरानी तस्वीर है ना वो भी ढेर सारी मात्रा में दिखाई देगी और बहुत ही बढ़िया ये कल्चर प्रेजेंट करते, तो यहाँ की वाइब्स तो भाई बहुत ही बढ़िया थी। स्वागत है दोस्तों आप सबका खाना इंडिया का के नए एपिसोड में। तो भाई हम पहुंच गए हैं पुणे और आप देख सकते हो ये है सामने दत्त मंदिर और इसके एग्जिट गली में हम आएंगे और यहाँ से थोड़ा सीधे चलेंगे ना तो हमको मिल जाएंगी 150 साल पुरानी ऐसी कोल्ड ड्रिंक की दुकान जो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए बड़ा ही पॉपुलर है। तो इसका नाम है गुज्जर कोल्ड ड्रिंक हाउस और इसका भाई मस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स तो बड़ा ही पॉपुलर है भाई, सिर्फ पुणे का नहीं बट वर्ल्ड पॉपुलर है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या क्या चीजें पड़ती है और इसका टेस्ट कहता है, चलिए देखते हैं। मैं एंटर कर चुकी हूँ उनकी शॉप में, आप देख सकते हो इनका इंटीरियर बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही बढ़िया वाइब्स आ रही है यहाँ से मुझे। तो चलिए हम थोड़ी बातें कर लेते हैं यहाँ के ओनर से। सर अपना नाम बता दीजिए। आपके यहाँ हमने सुना है मस्तानी बड़ा ही पॉपुलर, ऐसा क्या क्या चीजें इसके अंदर पड़ती है? मस्तानी बोलो, जो मस्तानी का शुरुआत ना हमने किया है। अच्छा। जो मस्तानी जो पहले शुरुआत जो मस्तानी का नाम पे हमने रखा है उसका बाजरो मस्तानी बोल के पहले शुरुआत किया था। अच्छा। उसका पहले नाम आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बोल के उसका नाम था पहले। अच्छा। 70 साल पहले। अच्छा। 70 साल पहले उसके बाद उसका नाम मस्तानी रखा है हमने। अच्छा। और उसमें क्या क्या चीजें पड़ती है? उसमें दूध सिर्फ आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्रीम रहता है, दूध में क्रीम रहता है ना, क्रीम का दूध रहता है वो। अच्छा, और उसमें कोई फ्लेवर आता है? फ्लेवर आते हैं ना, बहुत सारे फ्लेवर है। अच्छा, कौन कौन से आते हैं जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं? ज्यादा बाजरो मस्तानी बोल के हमारा फेमस है ज्यादा। अच्छा। मस्तानी ज्यादा लोगो को पसंद आते ज्यादा। अच्छा, तो हमारे लिए वो बाजरो मस्तानी बनाएंगे। चलिए, तो चलिए हम भी आज ट्राई करते हैं उनका वर्ल्ड फेमस बाजरो मस्तानी। तो ये सबसे पहले इसके अंदर क्या जा रहा है भैया? उसमें पहले दूध जाएगा, दूध आइसक्रीम जाएगा। आइसक्रीम ये कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम जा रहा है इसके अंदर? पाइनएप्पल सिरप जाएगा उसमें। अच्छा, और इसका क्या प्राइस रहता है भैया? 90 रुपीज। 90 रुपीज फ्लेवर के हिसाब से रहता है कि 90 रुपीज फाइनल होता है? स्टार्ट 90 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा। सबसे कम बोलते है बाजरो मस्तानी 90 रुपए का ही है, बाकी का जो मस्तानी है ना उससे ऊपर का प्राइस है सब। और ये दूध कैसा होता है, मीठा होता है सिंपल होता है? नहीं, सिंपल दूध गर्म करके उसमें क्रीम क्रीम मिक्स दूध रहता है वो। ओके। ये उसके ऊपर क्या पड़ा है? वैनिला आइसक्रीम क्रीम बोल के। ओके। भाई क्या सीएम है? तो आप देख सकते हो हमारे रेडी हो चुका है। स्पेशल दही मस्तानी आइसक्रीम दही से दही उसमें बेलदौड़ा डाल के थोड़ा सा बाकी मस्तानी से अलग है। अच्छा। दही मस्तानी आपको ये किधर भी नहीं मिलेगा, दही मस्तानी जो है ना ये। ओके, तो ये मैंगो मस्तानी भी मेरे लिए बनके आ चुका है।
आप देख सकते हो इतना ओवरलोडेड और बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए अब ट्राई कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया है ये टेस्ट में, कैसा ना ये, अगर आपको जानना है ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आके इसे ट्राई करना पड़ेगा। मुझे तो ये अमेजिंग लगा। और ये है मैंगो मस्ताने, इसके अंदर बोलूँ तो मैंगो का एकदम माइल्ड फ्लेवर पर अच्छा आ रहा है। तो पर्सनली मेरा दोनों में से आप अगर बोलोगे कि कौन सा फेवरेट है तो दोनों ही रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ का स्पेशल है दही मस्तानी ट्राई करते हैं। थोड़ा पिए और डिफरेंट पर यूनिक छ। बहुत ही बढ़िया है ये जो आइसक्रीम है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फ्रोजन दही कर्ड टाइप खा रहा है ना, ऐसा लग रहा है जो पहले खा रहा उससे यूनिक है। अगर आप यूनिक ट्राई करना चाहते हो ना तो ये डेफिनेटली ट्राई करने वाली चीज़ है। हम कहेंगे कि अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया, ये खाने के लिए फटाफट से आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पे भाई आइएगा, आपको बड़ा ही मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ की वाइब्स है। पर्सनली आपको बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स भी दिखाई देगी। सच में यहाँ पर आकर मुझे तो मजा आ गया। पुणे रह रहे हो या फिर पुणे में विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे दत्तात्रेय मंदिर के पास जो है ना वो शॉप पे डेफिनेटली विजिट करेगा, आपको बड़ा ही मजा आएगा। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।